इंग्लैंड के ओवल में होने वाले WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस के दौरान कैचिंग पर दिया जोर। फील्डिंग और गेंदबाजी कोच ने खिलाड़ियों के साथ किया काम, स्लिप की फील्डिंग पर कोच राहुल द्रविड़ का खास प्लान। ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट कोच डैनियल विटोरी टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप से हुए परेशान, किया बड़ा खुलासा। डैनियल विटोरी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय बॉलिंग अटैक को लेकर परेशान है। विटोरी ने बताया कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, भारत की गेंदबाजी लाइन अप क्या होगी, जडेजा अश्विन में से कौन प्लेइंग 11 में होगा। इंग्लैंड में WTC फाइनल खेलने गए विराट कोहली कॉफी डेट पर पत्नी अनुष्का के साथ नजर आए, दोनों कपल के साथ एक फैन भी नजर आया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को लेकर बड़ी बात सामने आई। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि शुभमन गिल की क्लास अलग और उनके पास एक अलग ही तरह का स्वैग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को लेकर बड़ा बयान दिया। कैफ ने कहा कि पुजारा के स्ट्राइक रेट पर काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने टेस्ट मैचों में भी तेज खेलना शुरू कर दिया है। टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई, KL राहुल ने लंदन में अपनी सर्जरी के बाद बैसाखी के बिना चलना शुरू किया। जून के दूसरे हफ्ते से राहुल अपना रिहैबिलिटेशन शुरू कर देंगे। IPL के दौरान LSG की कैप्टनसी करते वक्त राहुल मैदान पर चोटिल हो गए थे। भारतीय खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, 3 जून को ये कपल शादी के बंधन में बंध जाएगा। इमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप के लिए भारत की ए टीम का ऐलान हो गया है। इस बार इमर्जिंग वुमेन्स एशिया कप का आयोजन हांगकांग में किया जा रहा है। इंडियन वुमेन्स ए टीम की कप्तानी एशिया कप में श्वेता सहरावत करेंगी, वहीं सौम्या तिवारी टीम की उप कप्तान होंगी। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में श्रीलंकाई बल्लेबाज चरित असलंका ने ओडीआई करियर का 7वां अर्धशतक जड़ा। आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रोली ने टेस्ट करियर का 8वां अर्धशतक जड़ा, क्रोली ने 56 रन बनाए। आयरलैंड की पहली पारी 172 रन पर सिमट गई, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 विकेट लिए तो वहीं जैक लिच को 3 विकेट हासिल हुए। वेस्टइंडीज के पूर्व कैप्टन कार्ल हूपर और फ्लॉयड राइफर को लिमिटेड ओवर के लिए ड्वेरन स्वामी के साथ असिस्टेंट कोच बनाया गया। T20 नेशनल में अफ्रीकी देश बोस्वाना के गेंदबाज ध्रुव मैसूरिया ने बनाया चौंकाने वाला रिकॉर्ड, ध्रुव ने 22 मैचों में 50 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड।